नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरें। महोबा में सांप काटने पर युवक सांप लेकर पहुंचा जिला अस्पताल। सांप देख लोगों मचा हड़कंप, युवक को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। खन्ना थाना के अधिकारी जोड़ी गांव का मामला। बुलंदशहर में बुजुर्ग की हत्याकांड का खुलासा। संपत्ति की लालच में बेटे ने ही दी थी पिता की हत्या की सुपारी। पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर अमित राय गिरफ्तार। समर्थन में 150 से 200 की संख्या में लोगों ने थाने पर बोला हमला। शूटर अमित राय को छोड़ने की मांग को लेकर किया बवाल। सहारनपुर में दो ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अस्पताल में भर्ती रामपुर थाना क्षेत्र के मरिहारन की घटना। श्रीनगर गढ़वाल में जोरदार बारिश होने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमामि गंगे के तहत बने घाट डूबे। श्रीनगर गढ़वाल के मुख्य बाजार में पानी भरा। युवाओं और अल्पसंख्यकों को तक भाजपा की नीतियां पहुंचाने की भाजपा की कवायद तेज। जालौन पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दिनेश आजाद अंसारी ने कहा भाजपा सबसे अधिक मुसलमानों की हितैषी है। आजमगढ़ पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। नोएडा दौरे पर सीएम योगी ने दी सौगात। रामनाथ गोयनका मार्ग का किया अनावरण। 1700 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मथुरा में सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय बैटरी कॉलेज में किया वृक्षारोपण। टीएफसी सेंटर पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात की। बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश जारी। सुरक्षित जगहों पर यात्रियों को रोका गया है। सोनप्रयाग में 5000 तो गौरीकुंड में 3000 यात्री रोके गए। गोरखपुर में फरार माफिया के भाई के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। जीडीए ने की कार्रवाई। 50,000 का इनामी विनोद उपाध्याय, 25,000 का इनामी संजय गिरफ्तार। कानपुर में युवती ने सड़क पर लहराई बुलेट। भीड़ भाड़ वाले रोड पर बिना हेलमेट के चलाई गई बुलेट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। गाजियाबाद में कोचिंग सेंटर की आड़ में चल रहा था मदरसा। छात्रों की पढ़ाई में पढ़ाई जाती थी नमाज। पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया। महोबा में सांप लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंचा युवक। सांप के काटने से युवक की बिगड़ी थी हालत। कानपुर में तीन डंपर में टक्कर के बाद लगी भयंकर आग। एक शख्स की जलकर हुई मौत। 6 लोग जख्मी। जहांगीराबाद सागर हाईवे पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर क्रेटा कार में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। कार सवार एक की मौत, दो घायल। घायलों को कार की खिड़की काटकर बाहर निकाला गया। चित्रकूट में श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा। दो की मौत, तीन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। आरोपी ट्रक चालक फरार। घर से परिक्रमा के लिए निकले थे सब। उन्नाव में जल्दी निकलने की होड़ में ट्रेन से टकराए बाइक सवार। बाल बाल बची जान। बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग की घटना। कुशीनगर में युवक पर जानलेवा हमला। पीट पीट कर किया लहूलुहान। कार से आए थे हमलावर। परिजनों को गांव के युवक पर शक। बड़कोट के पुरोला में नदी उफान पर नदी किनारे रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल। बड़कोट के ओरछा बैंक रोड पर भूस्खलन लैंडस्लाइड की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त। सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही रुकी। बिजनौर में भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हुई। आवागमन पर पड़ रहा है असर। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। मूसलाधार बारिश से अमरोहा शहर के मुख्य चौराहों पर भरा पानी। जल जमाव होने के कारण राहगीरों को हो रही है परेशानी। उत्तरकाशी के बद्रीनाथ केदारनाथ मोटर मार्ग हुआ हादसा और मलबा और पेड़ गिरने से मार्ग प्रभावित हुए हैं। सड़क बंद होने से लोगों को आवाजाही में खास दिक्कत हो रही है। हरिद्वार में मानसून की पहली बारिश ने खोली पोल। तमाम इलाके हुए जलमग्न। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर भूस्खलन से आया मलबा। एनएच विभाग ने जेसीबी भेजकर हाईवे से हटाया मलबा। हाईवे पर आवाजाही भारी। बारिश से दिल्ली के पांडव नगर में जल जमाव। पांडव नगर से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर भरा पानी। एनएच 24 फ्लाईओवर के नीचे भी जल जमाव। बारिश से गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के पास सड़कों पर भरा पानी। कई जगह फंसी गाड़ियां और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए।
भारी बारिश से असम के कई इलाकों में आई बाढ़। नलबाड़ी इलाके में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। सड़क मार्ग से कई इलाकों का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक आई बाढ़। मुहल नदी के तेज बहाव में बह गई कई सिकारें और नदी किनारे बसे प्रवासी मजदूर को नुकसान पहुंचा। हिमाचल के वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर भरा बारिश का पानी। कालका शिमला रूट पर लैंडस्लाइड और ट्रैक पर भरा पानी। दिल्ली में देर रात तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट और उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 27 जून तक होगी दिल्ली में बारिश। मुंबई हुई भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हुई। लोगों के आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, बारिश आ गई है, उसका स्वागत होने दो। मुंबई की पहली बारिश की वजह से जगह जगह भर गया पानी। कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के सायन, दादर और कुर्ला इलाके में घंटों हुई लगातार तेज बारिश। पानी भरने की वजह से सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। तहसील और टोल नाका के पास 2 फीट तक पानी भरा। मुंबई के किंग सर्कल में बरसात के पहले दिन मुंबई का हाल बेहाल। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। बारिश में डूबा मुंबई शहर। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के बीच जलभराव बनी बड़ी समस्या। शिवाजी पार्क इलाके में बारिश ने किया लोगों को परेशान। हिमाचल के कुल्लू में पार्वती घाटी के नाले में अचानक बढ़ गया पानी का बहाव। तेज बहाव की चपेट में आई कई गाड़ियां। रास्ता टूटने की वजह से गाड़ियों को क्रेन से निकाला जा रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश कहर बनकर टूटी है। जगह जगह भूस्खलन हुए हैं, पेड़ गिरे हैं। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। बारिश और भूस्खलन से सड़क नाली में तब्दील हो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम बनाने के दौरान अलीम शेख नाम के शख्स की मौत। बम फटने से हादसा। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान ये 10वीं मौत है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम बनाने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भारी संख्या में पेट्रोल बम बनाने की सामग्री बरामद। एमपी के भिंड में एसबीआई के एटीएम में चोरों की सेंधमारी। एटीएम की बैटरी लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बिहार के मधुबनी में नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। नाबालिग को बेचने में नाकाम होने पर हत्या की आशंका। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने 2 करोड़ कीमत की लाल चंदन की लकड़ी जब्त की। चंदन की लकड़ी के साथ 9 लोग गिरफ्तार। मुंबई के सेवरी इलाके में करीब 30 लाख रुपए की 150 ग्राम ड्रग्स जब्त किए गए हैं। ड्रग्स के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। गुजरात के सूरत में बच्चा चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। अस्पताल से बच्चे को लेकर फरार हुई थी महिला। महाराष्ट्र के नंदगांव बस स्टेशन पर खड़ी बस में लगी आग। यात्रियों को समय रहते बस से उतारा गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान के झालावाड़ में एक समुदाय विशेष ने नेता लक्ष्मण सिंह झाला पर धार्मिक भावना आहत करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में पुलिस तैनात हुई। राजस्थान के बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। स्कॉर्पियो कार की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 3 की मौके पर हुई मौत। 9 घायल हुए। NH-68 के पास हुआ दर्दनाक हादसा। बिहार के भागलपुर में ब्लास्ट में 17 साल के नाबालिग की मौत। 3 लोग घायल। कसाब मोहल्ले के कुरैशी टोल हुए ब्लास्ट की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में ट्रेन हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी के पीछे से मारी टक्कर। कई डिब्बे पटरी से उतरे। बिहार के हाजीपुर में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। हादसे में 10 से ज्यादा लोग बेहोश। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र का मामला। राजस्थान के झालवाड़ में भिवानी मंडी के पास कुएं में गिरी गाड़ी और कुएं में डूबे लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भानपुरा की तरफ से आ रही थी गाड़ी। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हथियार के साथ KYKL कार्ड्स के 12 लोगों के छिपे होने की खबर के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली लाई गई है भारतीय नौसेना की 9-12 सिंघा। सिग्नेचर ब्रिज से ITO बैराज तक नाव से किया यमुना के हालात का मुआयना। मिश्र में पीएम मोदी के स्वागत में युवती ने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाया। मुस्कुराते हुए पीएम ने बजाई तालियां। मिस्र की राजधानी काहिरा में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय को लोगों ने किया पीएम का स्वागत। मिस्र में पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए बोरा समुदाय बेताब। तिरंगा लेकर पीएम मोदी से मिलने होटल पहुंचे बोरा समुदाय के लोग।
नोएडा में पीएम मोदी को लेकर होटल के मैनेजर बोले कि पीएम मोदी का यहां आना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौक इब्राहिम ने काहिरा पहुंचे पीएम मोदी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी को दिया खास तोहफा। जोशीमठ के पैका में बादल फटने से मचा हड़कंप, पैका जाने वाले मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, स्थानीय दुकानदार ने बताया फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। सीतापुर में बाढ़ पीड़ितों के साथ ठगी मामले में बड़ा खुलासा, 17 लाख रुपए से ज्यादा की हुई गड़बड़ी, हरगांव थाने के आरोपी लाल मोहम्मद और उसके स्थायी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के कई मामले पकड़ में आए हैं, कस्टम की जांच में 22 दिन में पकड़ा करीब 17 किलोग्राम सोना, सोने की कीमतों में उछाल से खाड़ी देशों से बड़ी सोने की तस्करी। जालौन में पहली पत्नी से तलाक के लिए बिना दूसरी शादी करने जा रहे दूल्हे की आई शामत, घोड़े चढ़ने से पहले पहली पत्नी ने परिजनों के साथ किया हंगामा, एसडीएम के आदेश पर रुकी शादी, बिना दुल्हन ही लौटे दूल्हे राजा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।